अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फूड बाय निखत। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कढ़ी बनाने का तरीका। कढ़ी में जो चीज़ें हमने ऐड करनी हैं वो हैं 1 कप दही, 1/2 कप बेसन, 1 प्याज। प्याज को हम बारीक काट लेंगे। लहसुन का पेस्ट, साबित लाल मिर्च, हल्दी 1 टेबल स्पून, मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सूखी मेथी थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें डालेंगे दही। दही हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे बेसन और ये मसाला। 1 गिलास पानी डालेंगे। हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है, ये देखें। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक गिलास पानी और शामिल करेंगे इसमें, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी मिक्स हो चुका है, लेकिन हम इसमें और पानी डालेंगे क्योंकि वो गाढ़ा था। गर्म हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, प्याज, कड़ी के पत्ते। तो हमने हल्का गोल्डन होने तक पकाना है, लाइट ब्राउन कलर इसका आ गया। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। प्याज गोल्डन हो चुके हैं, इसमें अब हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसमें डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और प्याज ब्राउन करने से तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इसमें अब डाल देंगे कड़ी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उबाल आने तक हमने चम्मच हिलाता रह जाता है। इसमें बेसन जो होता है ना, इसमें वो नीचे लग जाता है, फिर हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनती। कढ़ी तो हमने एक साइड पे रख दी है पकने के लिए। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक लेंगे बाउल, इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज का साइज देखें, इस तरह काटने करेंगे। बेसन, पालक जो हमने काट के रख लिया पहले, वो इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन, और थोड़ा सा हमने साबित धनिया लिया सूखा। इसमें हम ऐड करेंगे। धनिया थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम पकौड़े शामिल करेंगे। पकोड़े हम हाथ से डाल रहे हैं। अगर आप हाथ से पकोड़े डालेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। पकोड़े हमने बनाकर रख लिए हैं। ज़ीरा और प्याज का तड़का लगाएंगे। अब हम कढ़ी में पकोड़े शामिल करेंगे, और इसको जो हमने प्याज ब्राउन कर लिए थे
वो इसमें डाल देंगे। ये देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी कढ़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।